से आशीष शैले की रिपोर्ट। इंदौर जिले के बेटमा नगर के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नया सत्र 2019-20 इस बार भारी अव्यवस्थाओं व कई कमियों के साथ शुरू हुआ। दरअसल ये बात तब सामने आई जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महू जिला सोशल मीडिया प्रमुख विक्की बाथम के नेतृत्व में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को एडमिशन ना देने के संदर्भ में विद्यालय के प्रिंसिपल से चर्चा की गई। प्रिंसिपल ने बताया कि एडमिशन न देने का कारण विद्यालय में शिक्षकों और कमरों की कमी है, साथ ही खेल एवं एनसीसी के शिक्षकों और उनके उपकरणों की भी कमी बताया। 12 कमरों में संचालित होने वाला इस स्कूल, बड़ी कक्षाओं में यह स्थिति है कि 80 बच्चों तक को बिठाना पड़ता है तो किसी में 60 बच्चों को, जबकि नियमानुसार एक कमरे में 40 बच्चों तक बिठाया जा सकता है। वहीं स्कूल में 100 वर्षों से भी अधिक पुराने एक भवन के जर्जर होने की बात कही। उन्होंने बताया कि वह भवन किसी भी समय गिर सकता है, जिसे हटाना आवश्यक है। स्कूल प्रिंसिपल पी के शर्मा ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर कलेक्टर और तहसीलदार को आवेदन भी दिए हैं, किंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। वही जनप्रतिनिधियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। परिषद ने मांग पर प्रिंसिपल ने कई विद्यार्थियों को विद्यालय में एडमिशन की स्वीकृति तो दे दी, पर समस्याओं के लिए सहयोग की इच्छा जताई। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज हम विद्यार्थियों की समस्या को लेकर यहाँ प्राचार्य जी पास आए थे। यहाँ पर विद्यार्थियों के बैठने की और टीचरों की समस्या है। यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है। आए दिन विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की समस्या होती है, जिसको लेकर हम आज प्राचार्य से बात करी। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर टीचर की कमी है और बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, और इन्होंने तहसीलदार और कलेक्टर को भी आवेदन कर दिया गया है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी विषय को लेकर हम विद्यार्थियों के पीछे। इस विद्यालय में 550 से ज़्यादा बच्चे हैं हायर सेकेंडरी के, और 200 बच्चे मिडिल के, लगभग 700 बच्चे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कक्षा की कमी है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। जैसे हमारे कॉमर्स कक्षा है तो उसके अंदर 80-80 बच्चे एक कक्षा में हमको बिठाना पड़ता, तो पढ़ाने में बड़ी समस्या आती है। हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। 7 तो हमारे पास में वरिष्ठ अध्यापकों के पद ही रिक्त पड़े हुए हैं। प्रायोगिक कार्य के लिए हमारे पास में कोई भी लेब असिस्टेंट नहीं है। खेल के लिए हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स के टीचर वगैरह नहीं है, और खुद ही खिलाना पड़ता है, तो बड़ी समस्या आती है। एनसीसी भी हमने इस विद्यालय में चालू कराई, लेकिन उनके नॉर्म्स के अनुसार 40 वर्ष का एनसीसी केयर टेकर होना चाहिए, तो हमारे विद्यालय में वो भी नहीं है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारे विद्यालय से एनसीसी जाए, इसलिए हमने हमारे संकुल के शिक्षक को अशोक राठौर को ये काम दिया कि भाई कम से कम आप सप्ताह में 2 दिन आकर इसको देखें, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। हमारे को 10वीं कक्षा में 50-50 बच्चे बिठाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या छात्र संख्या ज़्यादा है, रूम भी कम है और टीचर भी कम है। तो आरटी नॉर्म्स के अनुसार 40 बच्चे से ज़्यादा बिठाना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, लेकिन मजबूरी में हमको बिठाना पड़ता है। गुना जिले के चाचौड़ा विधान